सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। आली मकाम नुवल विदा कौन करेगा हुन तू रोई बीमार जैनुल आबेदीन नु तसल्ली कौन देवेगा ऐ जैनब अगर हुन तू रोई नन्नी सकीना दे आंसू कौन पूजेगा ऐ जैनब अगर हुन तू रोई उम्मे रुबाब उम्मे लैला शहर बानो नु तसल्ली कौन देवेगा। हजरत सईदा जैनब रदी अल्लाह तआला ने आपने अपने भाई नू फरमा दिया ने ऐ हुसैन फिक्र ना करी तू दीन दा वारस है तू दीन दी आबरू रखनी है तू कुरान दी आबरू रखनी है तू इस्लाम दी आबरू बचानी है। करबला दे मैदान दे अंदर जो नबी दे गुलाम सियाबा शहीद होए जो ताबेईन शहीद होए जो गुलाम कुर्रात रात शहीद होए अहले बैत दे जितने जीवी जवान शहीद होए ने ऐ इमाम तेरी वजह तू शहीद होए ने तेरे कदमा ते शहीद होए ने हुन लश्करे यजीद नू तेरी जरूरत है ऐ मेरा भाई हुसैन मैं जानिया तुहाडे शहीद हो जान तू बाद साडे ते मुसीबतां दे पहाड़ टुटणगे जफा जोर दियां आंदियां चलणगियां। मैं जाननी आं बीमार ज़ैनुल आबेदीन नू हथ कड़ियां ते बेड़ियां पहनाइयां जाणगियां मुखद्दरात इस्मत नू दर बिदर फिराया जाएगा खैमियां नू अग लगा दित्ती जाएगी परदेदारां दी बेपरदगी कर दित्ती जाएगी। लेकिन हुसैन जिस मां दा तू दुध पीता है उस मां दा मैं भी दुध पीण वाली हाँ तेरा बाप भी अली मेरा बाप भी अली लेकिन फर्क है वे तेरे सिर ते नाना मुस्तफा दा इमामा है मेरे सिर ते अम्मा फातिमा तू ज़ारा दी चादर है। आप फरमादिया ने ऐ मेरा भाई हुसैन फिक्र ना करी ज़ैनुल आबेदीन दा फिक्र ना करी नन्नी सकीना दा फिक्र ना करी उम्मे रुबाब शहर बानो दा मैं तेरे बच्चियां दी गुलाम मैं तेरे बच्चियां दी कनीजा मैं तेरी भैन ही नहीं हाँ तेरे बच्चियां दी गुलामी करांगी तेरे परदेदारां दी परदे दी हिफाजत करांगी अगर परदियां दी हिफाजत कर दिया होया मैं ज़ैनब नू जान भी देनी पई ते जान दी कुर्बानी पेश कर देंगी लेकिन तेरे बच्चियां ते आंच नहीं आन देंगी। ऐ इमाम बेफिक्र हो जा तू ज़ैनुल आबेदीन दा फिक्र ना करी गम ना कर उनका ये परवान चढ़ेंगे मैं तेरी कब्र को झाड़ूंगी ये कुरान पढ़ेंगे। सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अपने भाई नूं फरमांदियां ने ऐ मेरा भाई तू शहीद हो जाएगा करबला दे मैदान दे अंदर तेरी सोहणी ते प्यारी कबर बनेगी तेरी भैन ज़ैनब कबर दी सफाई करेगी तेरे बेटे ज़ैनुल आबेदीन ते नन्नी सकीना तेरे कबर दे उत्ते कुरान पढ़नगे ऐ हुसैन तेरे जान तू बाद ऐ ज़ैनब ज़ैनब नहीं रवेगी बल्कि ए भी हुसैन बन जाएगी तेरे काफले दी कमांडर इन चीफ सिपा सलार हुण ए ज़ैनब होवेगी जितनी भी जिम्मेदारियां ने ऐ हुसैन ज़ैनब अपने कंधे ते सवार कर दी है। ऐ भाई हुसैन फिक्र ना करी मैं ना परदे दी हिफाजत कर दियो या कूफा शाम दे मिश्क दे बाजारां दे अंदर फिर दियो ही मदीने ले जावांगी जन्नतुल बकी दे अंदर जाके अम्मा फातिमा तू ज़ारा दी कबर ते जाके ऐ मेरा भाई तेरा भी सलाम आखांगी फिर नाना मुस्तफा दे रोजे ते जावांगी नाना मुस्तफा नू जेड़ा इना जालमा साडे नाल सलूक कीते सोने नबी नू जाके सुनावांगी मैं नाने नू दुखड़े
सुनावांगी जाके ते जाली नू फड़ फड़ हिलावांगी जाके ते आखांगी नाना मेरा हाल वेखो जो कीती है उम्मत मेरे नाल वेखो। हजरत सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा ने जदो ए वसीयतां कीतियां इमाम अली मकाम ने सुनिया तसल्ली होई इत्मीनान होया समझ गए कि मेरी भैन ज़ैनब हुण सारे ऊक नूं समझ गईयां ने इन्हां नूं हुण पता चल गया है जिस तरह मैं ए मामलात नूं सुलझाणा है। खुदा दी कसम उठा के आना मेरे इमाम अली मकाम दे दिल ते उस वक्त की गुजर रही होवेगी। इमाम अली मकाम ने फरमाया ज़ैनब हुण मैं तैयारी करना चाहना उम्मेरु बाब उम्मे लैला नूं फरमाया है ऐ शहरबानो मेरा ओ लिबास जेड़ा तंग जंगे मैं जंग दे अंदर मैदान दे अंदर पाके जाना। इमाम अली मकाम पहले तंग लिबास पहन दे उस तों बाद अरबी कुब्बा खुला लिबास पहन दे सन। किसे पुछिया इमाम ए की गल है दो दो लिबास पहन दे हो एक ओ लिबास जेड़ा जिस्म दे नाल चिपक जांदा है दूसरा लिबास तुसा खुला पहन दे हो इंदे अंदर हिकमत की है। इमाम अली मकाम ने फरमाया इस वास्ते पहनना मैदाने जंग दे अंदर मैं शहीद हो जावां मेरे जिस्म दे टुकड़े कर दिते जावन मेरी लाश ते घोड़े दौड़ाए जावन मेरा जिस्म नंगा ना होवे मेरे पर्दे बेपर्दगी ना होवे इस वास्ते दो लिबास पहनना वा। इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरा वो तंग लिबास लियाओ। इमाम अली मकाम ने तंग लिबास पहनिया फिर अरबी कुब्बा खुला लिबास पहनिया हजरत अमीरे हमजादी जजीरा पहनी है हाथ दे अंदर तलवारे हैदरी पकड़ी सिर ते नाने मुस्तफा दा इमामा बनिया वे और कमर दे अंदर अम्मा फातिमा तुज़ारा दी चादर बन के आपने अपनी बहन ज़ैनब दे नाल मुखातब होके फरमाया ऐ ज़ैनब हुण मैनू अलविदा कर दे अलविदा कर दे अलविदा कर दे। इमाम अली मकाम जदों खैमे दे विचों निकले खानदान आले बैत नूं आखरी सलाम कीता है आ फरमांदे ने सलाम हो आखरी ऐ खानदान आले बैत सलाम हो आखरी ऐ बेवगान आले बैत। जदों इमाम अली मकाम खैमे तू निकले होणगे जै बीबियां बहु बहना खैमे दे अंदर मौजूद सन उन्हां दे दिल ते की गुजर रही होनी है जुबान बयान करन तू कासर है। ओ बहन जिन्हों पता है मेरा भाई जा रहा है वापस नहीं आएगा ओ बीबी जिसनों पता है मेरा शौर जा रहा है हुण वापस नहीं आएगा ओ बेटा जेड़ा बीमार है जिसनों यकीन है मेरा बाप जा रहा है दोबारा मैनू पुछण नहीं आएगा ओ मासूम बच्ची सकीना जिसनों पता है मेरा बाप जा रहा है वापस नहीं आएगा। लेकिन मुखदरा ते इसमत खैमे दे अंदर बैठिया रही सबर दा मुजहरा कीते इमाम अली मकाम खैमे तू बाहर निकले जदों दरवाजे ते आए ने इमाम अली मकाम दे दिल ते कयामत गुजर रही होनी है। जदों आप ओ खैमे दा दरवाजा क्रॉस कीता खैमे दे विचों दर्द भरी रोण दी आवाज आई इमाम अली मकाम दे दिल ते कयामत गुजर गई। आप पिछे मुड़ के खैमे दे अंदर गए आपने वेख्या वे बच्ची सकीना बेताब हो के रो रही है अब्बा 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 कह के रो रही है। इमाम अली मकाम ने हजरत सकीना नू गले ना लगाया चिमटाया प्यार कीता सिर दा बोसा लिया फरमाया पुत्र सकीना चुप कर जा चुप कर जा अपने बाप नू ज्यादा तकलीफ ना दे चुप कर जा हैले ते रोण दा वक्त आणे तू ते हुणे रोना शुरू कर दिता है जदों मैं शहीद हो जावां फिर रो लई जदों मेरी लाश ते घोड़े दौड़ाए जान ऐ बच्ची
सकीना फिर रो ली जदो मेरा सर नेजे दी नोक ते चढ़ाया जावे फिर रो ली जदो तुहानू कैदी बना के कूफा ते दमिश्क दियां गलियां दे अंदर फिराया जावे ऐ नन्नी सकीना ओ दो रो ली हुण चुप कर जा बाप नू करबला दे मैदान दे अंदर जान दे जान तू रोक ना इमाम आली मकाम ने जबावां कीतियां अपनी बेटी नू फरमाया बेटी सकीना आखर वेले अपने बाप दे सीने लग जा आपने अपनी बेटी नू सीने लाया है सीने चिबटाया प्यार कीता है सीने नाल लग के नन्नी सकीना बोल दिए आंदिए वे अब्बा हुसैन तुसा मैनू सबर परू कहंदे जे सबर दी तलकीन कर दे जे मैं सब जाननी आ लेकिन मैं भी ते खानदान नबूवत दी एक कलिया मैं भी ते ज़ैनब दे गोद दे अंदर तरबियत पाई है मैं भी अपनी अम्मा दा दुध पीता है मैं जाननी आ सबर की शैवे सबर की शैवे अर्ज की अब्बा तुसा मैनू सबर दा कहंदे हो हुण वेखा मेरे सबर दी इंतहा नहीं ते होर की है आपने अर्ज की अब्बा हुसैन मक्के तू लैके मदीने तू लैके मक्के तू लैके करबला तक बाप जितनिया तकलीफाया जितनिया मुसीबत आया मैं रोई नहीं मैं सबर कीता चार दिन तू मैं भूखी ते प्यासिया मैं रोई नहीं मैं सबर कीता हुण सुबह तू असर दा वक्त होया है इस खेमे दे अंदरों जेड़ा भी गया मुड़ के नहीं आया वीर अकबर गया मुड़ के नहीं आया मैं सबर कीता रोई नहीं वीर असगर गया मुड़ के नहीं आया मैं सबर कीता मैं रोई नहीं उन मुहम्मद गए मुड़ के वापस नहीं आए मैं सबर कीता रोई नहीं ऐ बा ए मेरा सबर नहीं ते की है आखिर मैं भी ते इंसान हां मेरे सीने दे अंदर भी दिल है पत्थर नहीं है गोश्त दा एक टुकड़ा है ऐ अब्बा हुसैन मैं बड़ी प्यारी हां मैं तेरी लाडली हां मदीने तू मक्के मक्के तू करबला तक मैं तेरे नाल रही हां रात नू तेरे सीने ते सौंदी रही हां ऐ मेरे अब्बा हजूर हुण तुसा जा रहे हो जांदी वारी मेरे नाल वादा करके जाओ तुसा वापस आओगे कितनी देर लगा के आओगे जदो बच्ची सकीना ने अर्ज कीती है हजरत इमाम अली मकाम दे अखां विचों आंसू जारी हो गए रो के फरमाया बेटी सकीना मेरे नाल याद ना कर मेरे कोल ए ना पुछ मैं वापस आवांगा फरमाया बच्ची सकीना तू बड़ी मासूम है मैं वापस नहीं आना मेरे जान तू बाद यू यतीम हो जाने जदों सकीना ने यतीमी दा लफ्ज सुनिया अब्बे दे नाल मुखातब होके आखिया ऐ बा ए यतीम किस नूं आखिया जांदा है और यतीम दे नाल सलूक की होंदा है मैनू दसो ते सही इमाम अली मकाम ने सकीना नूं सीने नाल लाया उदा बोसा लिया फरमाया ऐ बच्ची सकीना यतीम होंदा जिंदे सिर तू बाप दा साया उठ जावे जदों इमाम अली मकाम ने फरमाया बच्ची सकीना अपने अब्बे दे सीने नाल लग जांदी है आंदी है अब्बा 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 मैनू आखरी वार सीने नाल ला के प्यार कर ले मैनू प्यार कर ले उस सीने नाल ला जिस सीने तू मदीने तू मक्के मक्के तू करबला तक मैं सौंदी रही हां ऐ अब्बा तुसा जदों वापस नहीं आओगे मैं किंदे कोल सोवांगी मैं किंदे कोल सोवांगी इमाम अली मकाम ने फरमाया बच्ची सकीना तू मासूम है ए मदीना नहीं ए मैदान करबला है इत्थे दस्तूर बदल गया इत्थे कानून बदल गया मदीना शहर दे अंदर
थके तू करबला तक मेरे सीने ते आराम कर दी रही है। लेकिन और तू बाद तू अपनी अम्मा दे कोल सोवेगी। बच्ची अर्ज कर दी है अब्बा उदे कोल ते भी रसगर सौंदा है। आपने फरमाया बच्ची सकीना करबला दे अंदर दस्तूर बदल गए कानून बदल गए। अज तू लैके कयामत तक तेरा भी रसगर मेरे कोल सोवेगा। अज तू बाद तू ते अपनी अम्मा दे कोल सोवेगी। इमाम अली मकाम ने अपनी बच्ची सकीना नू रोंदिया छड़िया अलविदा करके इमाम अली मकाम घोड़े ते सवार होए ने। घोड़े ते सवार हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ना कीता आप नू अलविदा कीता आप नू जान दी इजाजत दित्ती। आप घोड़े ते सवार होए ने घोड़े नू ज़र्ब लगाई यज़ीदी लश्कर दे सामने इमाम अली मकाम पहुंच गए। रवायत दे अंदर आंदा है 8,000 फौज यज़ीदी दी सी। दूसरी रवायत दे अंदर है 80,000 या 18,000 लश्कर यजीदी सी। उन्हां दे सामने मेरे ते तेरे इमाम अली मकाम आए ने। मंदर की सी सैलाब सी इंसाना दा जेड़ा इर्द गिर्द इमाम अली मकाम नू घेर के खड़ा सी। तलवारां चमक रहियां सी नेज़े चमक रहे सी। मेरा तेरा इमाम अली मकाम मैदाने करबला दे अंदर टीले ते खड़े हो गए। आपने यजीदियां दे नाल खिताब कर दिया होया। आपने फरमाया ओ यजीदियो ओ यजीदियो ओ यजीदियो मैनू पहचानो। मैं जिंदा तुसा कलमा पढ़ दे ओ मैं उंदा नवासा मैं ओ नवासा जिंदे लबा नू तुहाडा नबी चुबदा रहा। मैं ओ नवासा जिंदे गले दा बोसा तुहाडा नबी लैंदा रहा। मैं ओ नवासा जिहड़ा तुहाडे नबी दे कंधियां ते सवार होंदा रहा। मैं ओ नवासा जिन्नू सलामी फरिश्ते देंदे रहे। मैं ओ नवासा जिंदा चूला जबरील चूलांदा रहा। अज मैनू पहचानो मैं तुहाडे नबी दा नवासा इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन। मेरे नाल दुश्मनी ना करो। मेरे नाल दुश्मनी नबी नाल दुश्मनी है। नबी नाल दुश्मनी खुदा दे नाल दुश्मनी है। मेरे नाल प्यार करो। तुहाडे नबी मेरे नाने मुस्तफा ने फरमाया है जेड़ा मेरे मेरे हुसैन नाल प्यार करे ओ मेरे नाल प्यार कर दे। जेड़ा मेरे नाल प्यार करे ओ रब दे नाल प्यार करन वाला है। आपने उन्हां नू वाद फरमाया हुज्जत इत्माम दे वास्ते कल कयामत दा दिन होवे ए कमीने कोई उजर पेश ना कर लवन। आपने उन्हां नू फरमाया मैनू अज पहचानो अज मेरी कदर करोगे दुनिया भी समर जावेगी आखरत भी समर जावेगी। अपने हत्थां नू मेरे खून दे नाल ना रंगो। तुहाडी दुनिया भी तबाह हो जाएगी तुहाडी आखरत भी खराब हो जाएगी। इमाम अली मकाम ने उन्हां नू खिताब फरमाया उन्हां नू समझाया हुण भी वक्त है। मेरा पुत्र अकबर शहीद होया असगर शहीद होया उन्हां मुहम्मद शहीद हो गए। अज यजीद दा साथ छड़ के मेरी बैत कर लो मेरी खिलाफत नू मन्नो मेरे नाल मुहब्बत कर लो मैं खून माफ कर देंगा। वेखो मेरे इमाम अली मकाम मेरे इमाम अली मकाम ने जदो ये बात फरमाया अमर बिन साद कमीना बोलिया कहन लगा है हुसैन ऐ हुसैन वाजो नसीहत दा वक्त नहीं है ए तकरीरा सानू ना सुना। अगर बात अगर तू चाहना है तेरे नाल असा मुहब्बत करिए यजीद दी बैत कर ले। अगर तू यजीद दी बैत नहीं करदा साडे नाल मुकाबले वास्ते तैयार हो जा। इमाम अली मकाम ने फरमाया ऐ अमर बिन साद कमीने आ अगर यजीद दी बैत करनी होंदी मैं खानदाने नबूवत नू करबला दे अंदर करना कुहांदा। मैं अपना अकबर जवान कुर्बान न करदा मैं अपना असगर कुर्बान न करदा मैं कासम नू कुर्बान न करदा अब्बास नू कुर्बान न करदा नबी दे गुलाम सियाबा नू कुर्बान न करदा। मैं यजीद दी बैत नहीं करनी ए पाक हथे ए ओ हथे जेड़ा नाने मुस्तफा दे हत्थां विच आया है जिन्हों नाने मुस्तफा बोसा देंदे सन जिन्हें हत्थां
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਝੂਮਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਕ ਏ ਇਹ ਪਾਕ ਹੱਥ ਯਜ਼ੀਦ ਜੈਸੇ ਪਲੀਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਸਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤਨਤਨੇ ਤਨਹਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਫਾਤਮਾ ਦਲਾਲ ਯਜ਼ੀਦੀ ਲਸ਼ਕਰ 18,000-80,000 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਏ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਯਜ਼ੀਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਤਲਵਾਰੇ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਘੁਮਾਇਆ ਇੰਜ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਲੇ ਜਨਮ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫਰਦਨ ਫਰਦਨ ਅਸਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਿਸਤੋਂ ਨਬੋਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕਦਮ ਇਜਤਮਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਲਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 32 ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ 72 ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 82 ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 120 ਆਏ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਸਨ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਫਿਰ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਐ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਸਨ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰੂਫ ਨੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਤੇ ਤੀਰ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸੈਂਕੜ ਜ਼ਖਮ ਆਏ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਸਵਾਰੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਯੰਮਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਜ਼ੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਏ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਮਸਜਿਦ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں امام علی مقام نے نیزے تے تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کر کے دلدان والے مسلمانوں نو دس چھوڑیا مسلمانوں اگر ایسا بھی وقت آوے نماز دا دامن چھڈنا نہیں ہے ہن ایمان ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਂ ਮੁਹੱਬੇ ਵਾਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਿੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਮਾਨ ਵੀ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਇਮਾਨ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਨਾ ਏ ਦਾਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਹਿੱਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਰਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਣਾ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਬੈਤ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੀਰਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਫਾਤਮਾ ਤੁਜ਼ਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ
हजरत अली उल मुर्तजा हजरत इमाम हसन हुसैन दी सीरत पढ़ के वेख अगर हजरत अली मुर्तजा ने नशा कीता होवे फिर तो तू करे ते आखे मैं अली नाल मुहब्बत करना खुदा दी कसम है मिंबरे रसूल ते बैठा हजरत अली उल मुर्तजा फरमांदे ने जिथे शराब दा कतरा डिग पवे उत्थों अगर घास भी उगर जावे उसनू जानवर खावे उसका गोश्त भी मेरे ते हराम है अगर तू बूटी पी के नारा अली दा लांदा होवे नारा इमाम अली मकाम दा लांदा होवे नारा इमाम अली अली मकाम हजरत इमाम हसन दा लांदा होवे तू अपने दावे दे अंदर कमजोर है तू मोई बेले बैत नहीं है तू मुनाफक अले बैत है मुहब्बत अले बैत दा दावा करन वाला ओ यो ही सच्चाई जेड़ा हजरत इमाम अली मकाम दी सीरत ते अमल करन वाला होवे पंज वक्त दी नमाज पढ़न वाला होवे फिर वो मुहब्बत दा दावा करे वो मुहब्बत दावे दे अंदर सच्चा है आ मेरे दोस्ताने ग्रामीए कदर हजरत इमाम अली मकाम ने साया ते नेजे ते तलवारां दे साए दे थले सजदा कीता है नमाज पढ़ के आन वाले मुसलमानां नूं सबक दित्ता वे अगर ऐसा वक्त आ जावे दीन ते आ जावे अगर तेरी जान ते आ जावे नमाज तू सहारा ले लवी खालके कायनात तेरी इमदाद फरमाएगा खुदा दी कसम इमाम अली मकाम ने तलवारा ते नेजियां दे थले सजदा कीता एक यजीदी कमीने ने खंजर दा वार कीता इमाम अली मकाम दा सर तन तो जुदा कर दिता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आप दे सर मुबारक नू उन्ने कुस कमीने ने नेजे दी नोक त रख्या बुलंद जदो कीता ना इमाम अली मकाम दे जुबान ने अकदस दे विचू कटिया होया सर जुबान विचू कुरान दी तिलावत जारी उन्हां जालमा जुलम कीते जतो इतने जुलम कीते जदो इमाम अली मकाम दा सर नेजे ते आया कुरान दी तिलावत जारी हो गई है ओ कतल करन वालियां जदो वेख्या इमाम अली मकाम दी शान नू रोन लग पे जुलम कीता रोन लग पे हाय असा की कर बैठे आ अज भी ओ लोग रो रहे ने कयामत रोल तक रोंदे रहेंगे इमाम अली मकाम आज भी जिंदा है यजीद दा कोई नाम लैण वाला नहीं अगर कोई लैंदा है ते बुरे अल्फाजा दे नाल लैंदा है मेरा इमाम शहीद हो के भी जिंदा है ईमान वालिया दे सीनिया दे अंदर जिंदा है दिलो दिमाग दे अंदर जिंदा है जुबान ते जारी खुदा दी कसम उठा के आना जिंदा ओ हुंदा है जिंदा जिक्र जारी होवे मुर्दा ओ हुंदा है जिंदा जिक्र कीता ना जावे इमाम अली मकाम दा सर तन तू जुदा कीता नेजे दी नोक ते चढ़ाया वे कुरान दी तिलावत जारी हो रही है मस्जिद दे अंदर कुरान पढ़ना सौखा है घर दे अंदर कुरान पढ़ना सौखा है दरसियां दे अंदर कुरान पढ़ना सौखा है लेकिन खुदा दी कसम है नेजे दी नोक ते कुरान पढ़ना ये तेरा मेरा कम नहीं है सखी हुसैन ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਟਿਕਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਏ ਚੜਨੇ ਦੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ इस्लाम दी खातर कुरान दी खातर खिलाफत दी आबरू रखने दी खातर अपनी जान दा नहीं बल्कि अपनी खानदान ने नबुव्वत दी कुर्बानी रब दी बारगाह दे अंदर पेश कर छोड़ी आने वाले मुसलमानों नू सबक दिता है मुसलमानों अगर ऐसा वक्त आ जाए मेरे नाने दे दीन ते कोई डाका डाले मेरे नाने दे दीन दी खत्मे नबुव्वत ते कोई डाका डाले ते जिस तरह मैं और अपनी मेरी खानदान ने नबुव्वत ने कुर्बानी की है ना पेश की इसे तुसा भी इसे तरह अपनी जान का नजराना देना है
पिछे नहीं हटना। अगर मेरे नाल मुहब्बत कर दे हो, मेरे नबी नाल मुहब्बत कर दे हो, खुदा नाल मुहब्बत कर दे हो, मेरी इस सीरत नु पढ़ के, मेरी इस वाक्य जो करबला तुसा ने ए तुहाडे सामने वे या तुसा सुनिया या सुना।